सब्सक्राइब करें ट्रेडिंग चाणक्य चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स। तो मल्टी बैगर का दोस्तों सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आपके खरीदने के बाद जब आप उसको होल्ड करके रखते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो उस लंबे समय के अंदर स्टॉक का बढ़ते चले जाना, यानी कई गुना होते चले जाना। यानी 10 रुपये की चीज़ 20 की 20 की, 40 की 40 की, बाद 80 की 80 की, 160 की। तो वो ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसे स्टॉक्स कैसे जज करें कि हम उसको आज खरीदें और लॉन्ग टाइम तक अगर हम उसको इन्वेस्ट करके रखते हैं तो वो मल्टी बैगर हो जाने चाहिए, यानी कई गुना हो जाने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमने उसको होल्ड तो करके रखा लेकिन उसका ना तो प्राइस चेंज हो रहा है, बल्कि जो प्राइस था वो भी नहीं मिल रहा है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती, यानी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स। बेसिकली दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे चूज़ करें तो मैं आपको नहीं बता सकता, राइट? आपको बता कौन सकता है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे चूज़ करें? आपको वॉरेन बफेट बता सकता है, आपको राकेश झुंझुनवाला बता सकता है, आपको रामदेव अग्रवाल बता सकता है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो सारे मल्टी बैगर्स हैं, राइट? मल्टी बैगर से स्टॉक्स चूज़ करना एक वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है कि एक वीडियो में समझाया जा सके कि नहीं जी इसको खरीद लो मल्टी बैगर हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि मल्टी बैगर हो जाएगा, मैं कहता हूँ कोई गारंटी ले भी नहीं सकता, जो गारंटी ले रहा है वो बेवकूफ़ है, उससे लिखवा के लो कि लिख कर दे, नहीं हुआ तो मैं नुकसान भरूंगा, राइट? तो मल्टी बैगर स्टॉक चूज़ करना बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। मैंने काफ़ी सारी स्पीचेस सुनी है झुंझुनवाला के, बहुत सारे इंटरव्यू राकेश झुंझुनवाला के सुने हैं मैंने, रामदेव अग्रवाल के बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं। तो उनका एक इंटरव्यू मुझे याद आता है राकेश झुंझुनवाला का, जब उनसे पूछा गया था कि हाउ टू सिलेक्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स, तो उन्होंने जवाब दिया था कि क्या पता, कहते नोबडी नो कि कौन सी चीज़ कितना करेगी, कितना रिटर्न देगी। कहते जब हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, हम चूज़ करके पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो एक साल बाद जब हम देखते हैं तो लगभग सभी स्टॉक्स जो है डाउन जा रहे होते हैं, लगभग सभी स्टॉक्स डाउन जा रहे होते हैं। इक्का या दुक्का स्टॉक्स होते हैं जो बुल होते हैं या बुलिश होते हैं या ऊपर जा रहे होते हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये कि हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर हो जाएगा, हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर नहीं होगा, लेकिन जब हम स्थितियों के साथ चलते रहते हैं, मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना, उनकी बैलेंस शीट आना, देखना कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या हुई, हर क्वार्टरली उसको वॉच करना, कंपनी के मैनेजमेंट पे ध्यान देना, यानी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब हर चीज़ पे ध्यान देना। और जब जब चीज़ें ठीक रहती है तब तक तो होल्ड करते हैं, जैसे ही चीज़ें थोड़ी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो उसको बाहर कर देते हैं, यानी वो तब तक बने रहते हैं स्टॉक्स के अंदर, जब तक बने रहते हैं जब तक कंपनी का फंडामेंटल अच्छा रहता है, राइट? तो एक तरीके से उनका कहने का मतलब ये है कि हम नहीं बता सकते कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर हो जाएगा। कई बार ऐसे स्टॉक्स मल्टी बैगर हो जाते हैं जिसके बारे में सोचा नहीं होता, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो अपना महीने का कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो क्या वो मल्टी बैगर स्टॉक तो चूज़ करना थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, दूसरा हम अपना काम कर रहे हैं, दूसरा तो इतना समय भी नहीं है कि हम उसकी स्टडी करें। अगर चूज़ करना चाहते हैं, किसी का पैशन है तो पूरी स्टडीज़ कीजिए, पूरी स्टडी करने के बाद आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। एक वीडियो में समझ नहीं आएगा कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे चूज़ करें, राइट? तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप रिटेल इन्वेस्टर है, तो उसके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। भाई मल्टी बैगर आपको मतलब क्या है, आपको करना क्या है, आपको पैसा मल्टी बैगर करना है यानी कई गुना करना है। जब पैसा आपको कई गुना करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्टॉक्स को ढूंढें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप उसको वैसे भी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, उसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये हम हर बार बात कर लेते हैं, वही कॉमन सी बात है जो दोबारा दोहरा रहे हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न्स है, हिस्टोरिकल रिटर्न किसके, निफ्टी के। निफ्टी आप सभी जानते हैं NSE का पार्ट है, निफ्टी हमारी मार्केट का जो है बेंचमार्क है। निफ्टी दो बेंचमार्क है, एक निफ्टी दूसरा सेंसेक्स, ठीक है? दोनों क्या है, इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है, कुछ स्टॉक्स से मिलकर बने होते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो हमारे देश की जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उससे मिलकर बना है निफ्टी, यानी 50 कंपनियों का प्राइस अगर ऊपर जा रहा होगा मिला करके तो निफ्टी का प्राइस भी ऊपर जा रहा है, 50 कंपनियों का प्राइस मिलाकर नीचे जा रहा होगा तो निफ्टी का प्राइस भी नीचे जा रहा है, उनको बाकी कंपनियों से कोई मतलब नहीं है। सेंसेक्स की बात करें 30 स्टॉक्स है, 30 कंपनियों का प्राइस मिलाकर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, नहीं तो मार्केट नीचे जा रही है, राइट?
तो आपका कहने का मतलब ये है कि भैया अगर हमें मल्टी बैगर करना है पैसा तो स्टॉक्स को चूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निफ्टी को खरीद सकते हैं, आप सेंसेक्स को खरीद सकते हैं। यहाँ से भी आपका पैसा क्या होता है, मल्टी बैगर ही हो जाता है। यहाँ पर आपको स्टॉक सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं देखना कि कौन सा स्टॉक में कंपनी अच्छा कर रही है नहीं कर रही, क्या हो रहा है क्या नहीं करना। 10 साल के लिए पैसा लगाना है, 20 साल के लिए पैसा लगाना है, पैसा को मल्टी बैगर करना है, तो सिंपली चीज़ क्या है, यहाँ पर पैसा लगा के छोड़ दीजिए, सो जाइए, जब भी पैसा आता है महीने का लगाइए और सो जाइए, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो कंपनी अच्छा कर रही होगी वो निफ्टी में होगी, जो कंपनी ख़राब हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, वो निफ्टी से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी, राइट। ऐसा नहीं कि 50 कंपनियाँ 50 साल तक लगी रहेगी उसी में। आज से 10 साल पहले जो निफ्टी के अंदर कंपनियाँ थी वो अलग है, और आज जो निफ्टी 50 में जो कंपनियाँ हैं वो अलग है, यानी कंपनियाँ चेंज होती रहती हैं। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वो एंटर हो जाएगी, जिसकी परफॉर्मेंस खराब होगी बाहर हो जाएगी, मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना। अब ये देख लेते हैं कि मल्टी बैगर कैसे होगा पैसा, तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, ठीक है जी। निफ्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक एक करके रिटर्न दिए गए हैं मंथ वाइज ईयर वाइज। तो यहाँ पर अगर एक ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन 2 साल का रिटर्न देखेंगे तो 30% के अप्रोक्स है। चलिए थोड़ा सा और इसको आगे तक ले जाते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास जो रिटर्न्स आ गए वो 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के और 5 साल के, और लास्ट में रिटर्न दिया हुआ 10 साल का। यानी आप निफ्टी को 10 साल तक होल्ड करके रखते तो आपको 285% रिटर्न मिलता है। 285% का मतलब ये है कि पैसा आपका 3 गुना हो गया। लेकिन ध्यान रखिए एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको निफ्टी के अंदर अप्रोक्स 1.5% के आसपास, यानी थोड़ा ऊपर ज़्यादा ऊपर या कम हो सकता है, डिविडेंट भी मिलता है। डिविडेंट का मतलब है जो कंपनी लाभ कमाती है उसका कुछ पार्ट इन्वेस्टरों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है ना। जो भी उसका लाभ आया, जो प्रॉफिट आया, वो जितने भी लोगों ने खरीदा है सामान, भाई निफ्टी को खरीदा हुआ है या जो स्टॉक्स खरीदे हुए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब वो स्टॉक्स के इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उससे क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितने का आपने निफ्टी खरीदा था तो 1.5% जो है अप्रोक्स आपके पास हर साल आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये 1.5% का पैसा आपके पास आएगा। तो जब ये पैसा आपके पास आता है इसको आपको खर्च नहीं करना है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है, इसको आपको बैंक में भी नहीं रखना है। इस पैसे को, जो भी पैसा आपके पास आता है उसको दोबारा निफ्टी में ही इन्वेस्ट कर दीजिए। उससे होगा क्या कि आपका जो ये 3 गुना पैसा हुआ है या 3.5 गुना या 4 गुना के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो आपका निफ्टी के अंदर पैसा है अगर 10 साल पहले आप लगाते तो आज अगर देखते तो वो 4 गुने के अप्रोक्स हो जाता, ठीक है। जब ये पैसा दोस्तों 4 गुना आपका हो गया तो 4 गुना होने से आपका क्या फ़ायदा है कि आप अगर 1 लाख लगा रहे थे वो 4 लाख हो गया, 1 करोड़ लगा रहे तो 4 करोड़ हो गया, सिंपल। लेकिन हम बात करें मल्टी बैगर की, 4 गुना में तो मज़ा नहीं आया है ना, 4 गुना में कुछ ज़्यादा मज़ा थोड़ी नहीं आया, तो नॉर्मली मिल जाता है। अब ज़रा और देखिए, अब अगर आप 10 साल की जगह इसी पैसे को अगर 20 साल कर दे, किसी तरीके से 20 साल भी ले जाए, ठीक है, 20 साल बहुत बड़ा टाइम नहीं है। अगर किसी आपकी अगर अभी अभी शादी हुई है, अगर आपके घर में किसी बच्चे ने बॉर्न करा है, तो जब तक वो बच्चा 20 साल का होगा तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा अपनी एजुकेशन के लिए, अपने किसी काम के लिए, उसकी मैरिज के लिए, तो बहुत सारा पैसा उसके पास ऑलरेडी इकट्ठा हो जाता है। तो अगर हम इसको किसी तरीके से 20 साल पर ले जाए, अगर हम निफ्टी 50 को 20 साल पर ले जाए, तो 4 गुना पैसा हुआ 10 साल में मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये दोस्तों हो गया 16 गुना। यानी अगर आपने 20 साल तक निफ्टी को होल्ड कर लिया तो अप्रोक्स 15 से 16 गुना टाइम्स आपको रिटर्न मिल जाता है। यानी 1 लाख रुपए लगाते 16 लाख रुपए मिलते, राइट। चलिए हो गया मल्टी बैगर, चलिए और देख लेते हैं और क्या हो सकता है। अब मान लेते हैं इसको 30 साल तक किसी ने होल्ड कर लिया किसी तरीके से और बड़ी हिम्मत दिखा के इसको कर ही लिया, तो 16 गुना कितना, 4, तो आपका पैसा कितना हो गया, 16, 16, 32 और 64 गुना, यानी 1 लाख रुपए का आपको 64 लाख रुपए मिलता है, यानी 64 टाइम्स मल्टी बैगर हो गया। तो मल्टी बैगर करने के लिए स्टॉक्स चूज करने की ज़रूरत नहीं है, एक राइट चीज़ चूज करने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि निफ्टी को खरीदे कैसे, निफ्टी को खरीदने के लिए ETFs अवेलेबल होते हैं अलग अलग कंपनियों के। ETF कैसे खरीदते हैं उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। जैसे स्टॉक्स को खरीदा जाता है वैसे ETF को खरीदा जाता है, जैसे स्टॉक्स को बेचा जाता है वैसे ETF को बेचा भी जाता है। चलिए अब आप कहते हैं कि जी इसमें भी मज़ा नहीं आया, थोड़ा और रिटर्न मिल जाता तो और अच्छी बात है। चलिए और रिटर्न की बात कर लेते हैं,
और रिटर्न कैसे मिल सकता है। एक दोस्तों हमारे पास दूसरा एक हमारे पास इंडेक्स आता है, इसको कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 को हम निफ्टी जूनियर भी बोलते थे, और अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो निफ्टी जूनियर से भी काफ़ी आपके नाम मतलब इस नाम से आपको इंडेक्स दिखाई देता है। ये निफ्टी जूनियर या निफ्टी नेक्स्ट 50 बात एक ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब इसके अंदर क्या खासियत है, इसके अंदर दोस्तों यह खासियत है कि जो कंपनियां निफ्टी 50 के बाद आती है, यानी निफ्टी 50 जो है वो देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, उसके बाद की उसके पीछे की जो 50 कंपनियां हैं वो इसके अंदर है। यानी जो कंपनियां निफ्टी 50 से पीछे, यानी उनका मार्केट कैप उससे कम है, तो वो इसके अंदर आती है। छोटी कंपनियों की प्रॉब्लम क्या है और फ़ायदा क्या है, अगर निफ्टी 50% गिरता है तो ये 80% गिरेगा। बात समझ में आई आपको? अगर निफ्टी 50% डाउन देता है तो ये 80% डाउन देगा, अगर निफ्टी 50% अप होता है तो ये 80% अप हो जाएगा। यानी ये ज़्यादा वॉलेटाइल्ड होता है, लेकिन वॉलेटाइल होने के साथ साथ क्या है, इन कंपनियों के रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर पैसा तभी बनेगा जब आप लंबे समय तक के लिए रिटर्न लंबे समय तक के लिए होल्ड करके रखेंगे स्टॉक्स को। अगर होल्ड नहीं करा तो पैसा मत लगाइए, बेकार हो जाएगा। FD में लगा लीजिए, एटलीस्ट 7-8% मिले, लेकिन कुछ पैसा तो मिलेगा ही, राइट। चलिए, अब कोई भाई कहता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था निफ्टी से, तो आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म 10 साल तो मिनिमम है, 10 साल से 20 साल 30 साल तक जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात नहीं है। तो जब आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर पैसा लगा लेते हैं तो उसके बाद देखिए चीज़ें जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो जो आपका 10 साल का रिटर्न था, ये वाला, ठीक है, जहाँ पर ये 285% हुआ, ये 535% हो गया, यानी 5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा। डिविडेंड वाली जो कंडीशन है वो इसके साथ भी है, ये भी आपको 1% के अप्रोक्स डिविडेंड देता है, मतलब 1.5 तो नहीं देगा, 1 से थोड़ा कम ही डिविडेंड देता है, 0.8-0.9 के आसपास डिविडेंड मिलता है। तो अगर आप इस डिविडेंड को जो मिल रहा है बैंक अकाउंट में उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका जो ये 5.35 था ये 6 गुना के आसपास हो जाएगा। यानी 10 साल में आपका पैसा कितना हो गया, 6 गुना। 10 साल में पैसा अगर 6 गुना हो गया, तो अगर हम 20 साल तक होल्ड कर लेते तो क्या होता, 20 साल तक होल्ड करने के बाद आपका जो पैसा था अप्रोक्स 36 गुना हो जाता, राइट। 1 लाख रुपए लगाते, 20 साल बाद निकालते, 36 लाख रुपए मिलते। अब किसी भाई ने चलिए 30 साल तक भी होल्ड कर लिया, सोचा भाई आज मैं 20-25 साल का हूँ, रिटायरमेंट के टाइम 50-55 की एज हो जाएगी, उस समय कुछ पैसा मिल जाए, तो 1 लाख रुपये लगाया होता तो 36 गुना 6, भाई इतनी मैथमेटिक्स तो मुझे आती नहीं है, अप्रोक्स ही बताऊँगा मैं आपको, अप्रोक्स 200 टाइम्स आपका पैसा बन जाता, अप्रोक्स 200 टाइम्स। यानी 1 लाख रुपए लगाते, 30 साल बाद निकालते, 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आता, सीधी बात ये है। तो मल्टीबैगर करना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ। स्टॉक्स क्यों चूज़ करना है जब पैसा आसानी से बन रहा है, क्यों दिमाग लगाना है, जिसको लगाना है, जिसकी हॉबी है, जिसका पैशन है, उसके लिए पूरी स्टडी है, एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। और उसके लिए जो अच्छे एक्सपर्ट्स है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, अच्छी अकेडमी है, वहाँ पर जाकर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के चीज़ें समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी, राइट। तो ये दोस्तों तरीका है मल्टीबैगर करने का, जो तरीका मेरा है, जिस तरीके से मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और भी हम बहुत सारे इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कुछ NSE ने इंडेक्स दिए हुए, स्ट्रेटजी इंडेक्स कहते हैं उन्हें, जिसमें निफ्टी वैल्यू 20 है, उसमें निफ्टी के जो वैल्यू फॉर मनी स्टॉक्स है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए वो सिलेक्ट किए जाते हैं, उसमें अप्रोक्स आपको 20% CAGR का रिटर्न मिलता है, यानी यही पैसा आपका 7-8 गुना हो जाता है 10 साल में, ठीक है ना। तो वो भी एक तरीका है, उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा डाइवर्सिफाइड करना, अगर आप खाली स्ट्रेटजी इंडेक्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, लेकिन आप इन पे डिपेंडेंट रह सकते हो, मतलब इनको तो आप चाहे सारा पैसा लगा सकते हो, लेकिन स्ट्रेटजी इंडेक्स में एक अमाउंट होना चाहिए कि उस अमाउंट को लगा के रख दिया, ताकि एक्सपेक्ट करते हैं कि ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। लेकिन निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप इंडिविजुअल चूज़ करके भी सारा पैसा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल मिनिमम है। तो इस तरीके से दोस्तों पैसे को मल्टीबैगर किया जा सकता है, स्टॉक्स चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही दोस्तों इस वीडियो का मोटिव था, क्यों स्टॉक्स के पीछे भागे, क्यों टीवी चैनल के पीछे भागे, जब चीज़ें जो है इतनी सिंपल है, इतनी ईजी है, तो सिंपलिसिटी के साथ काम करना ज़्यादा मज़े वाली बात है।
बाकी स्टॉक्स चूज करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कौन ध्यान देगा, कौन क्वार्टरली रिजल्ट देखेगा, कौन एनुअली रिजल्ट देखेगा, तो कैसे कैसे रिजल्ट देखने पड़ेंगे, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाता है, बहुत सारी स्टडीज चाहिए और पूरा उसमें ध्यान देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप रिटेल निवेशक है तो मेरी एडवाइस ये है कि मल्टी बैगर करना है तो मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है मेरी नज़र में ये है, एक स्टॉक्स मेरी नज़र में है जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50 जो हमेशा बढ़ता है, दूसरा मेरी नज़र में निफ्टी नेक्स्ट 50 जो हमेशा बढ़ता है लेकिन ज़्यादा तेज़ बढ़ता है और ज़्यादा तेज़ गिरता है, ठीक है। तो ये दो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इसको ख़रीद लीजिए और मिनिमम 10 साल 20 साल 30 साल जो आपके 20 साल वाले गोल है वो इसे अचीव हो सकते हैं। पैसा आज चाहिए कल चाहिए उसके लिए कोई और धंधा करिए, आज कल में यहाँ पैसा नहीं बनता है। चलिए ये तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।